NSDL पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड का पिन बना के दिखाएंगे। इसमें जीपे एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं एक नंबर, और दूसरा है कॉल लगा के कर सकते हैं। इसी नंबर पे कॉल लगा देना है और इसमें कार्ड का डिटेल देना है और रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल करना है, और इसमें जनरेट एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। इस तरह से एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं, यही नंबर पर कॉल करना है। ये कस्टमर केयर का नंबर है, इसमें इस तरह से कॉल लगा लेना है। लगाने के बाद इसमें वेलकम टू NSDL पेमेंट्स बैंक। NSDL पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। कॉल जारी रखने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। हिंदी के लिए एक दबाएं और प्रेस टू। इसमें हिंदी के लिए एक दबा दीजिए। इसमें यदि आप अपना ATM पिन जनरेट करना चाहते हैं तो एक दबाएं, या फिर दोबारा से एक दबा देना है। यदि आपको पहले से ही वन टाइम पासवर्ड प्राप्त हो चुका है तो एक दबाएं। अपना वन टाइम पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे दो दबा देना है इस तरह से। कृपया अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया 6 अंकों का वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पे OTP आएगा, OTP को इसमें एंटर कर देना है। अपना ATM पिन बनाने के लिए कृपया अपने ATM नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें, जो आप अपने ATM कार्ड डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट का नंबर होगा, वो 4 डिजिट नंबर इस तरह से टाइप कर देना है। डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट की समाप्ति तिथि MMYY प्रारूप में दर्ज करें। मंथ और ईयर होगा डेबिट कार्ड का, उसमें टाइप कर देना है। तो कृपया 1508 टाइप करें। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लास्ट डिजिट 4 डिजिट इसमें दे देना है, और इसमें मंथ और ईयर का जो भी होगा वो मंथ और ईयर इस तरह से टाइप करके देना है। CVV दर्ज करें, जैसे आप अपने कार्ड के पीछे देख सकते हैं। कार्ड का पीछे जो CVV नंबर होगा 3 डिजिट का, वो 3 डिजिट टाइप इस तरह से कर देना है। CVV नंबर कार्ड का 4 अंकों का डेबिट पिन 1 2, और आपका जो भी मर्जी वो 4 डिजिट का न्यू पिन बना लेना है ATM पिन, और दोबारा से ATM पिन इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना ATM पिन बना लिया है। NSDL पेमेंट बैंक पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इस तरह से NSDL पेमेंट बैंक का आप पिन को जेनरेट कर सकते हो डेबिट कार्ड का, स्पाइस मनी से अकाउंट ओपन करके।